गुड मॉर्निंग बच्चों, आज दिनांक 30 जुलाई 2021 वर्ग चतुर्थ विषय हिंदी अध्याय 23। अध्याय का नाम है बच्चों सिंह और शेर का मुकाबला। पढ़ाई होने जा रहा है। आज एक कहानी है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, बहुत मजा आएगी इस कहानी को सुनने में। इस कहानी में बच्चों आप लोग देखिएगा कि पृथ्वीराज चौहान, आप सुने होंगे पृथ्वी सिंह का नाम है ना। छोटे बच्चे में पृथ्वी सिंह कितनी बहादुरी का काम किया था कि दांत को, शेर के दांत को गिन लेता है। जैसा कि आप लोगों को यह भी मालूम होगा कि वह बालक पराक्रमी था, जो जन्म लेते ही इतनी साहसी और वीरता का काम किया है। वह हमें गर्व प्रदान करता है, वह हमारे देश के लिए गर्व की बात है। तो ये कहानी आप सुनिएगा। दूसरी बात ये भी आप लोग जानते होंगे कि हमारा देश का नाम भारत कैसे पड़ा। भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा, क्योंकि शकुंतला के पुत्र राजा दुष्यंत है, जो राजा थे उन्हीं का पुत्र भरत थे, और भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा, जो कि शेर को एकदम मुंह को एकदम दांत को गिन लेते हैं फाड़ करके, है ना, इतनी साहसी थी। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है साहसी और वीरता बनने का प्लान, वीरता बनने की सीख मिलती है। सुनिए कहानी, अब हम शुरू करते हैं, समय बर्बाद नहीं करेंगे, कहानी सुनिए, शब्दार्थ लिख लेंगे और याद करेंगे। लाल किले में बादशाह औरंगजेब का दरबार लगा हुआ था। वहाँ लोहे का एक बड़ा पिंजरा रखा था। पिंजरे में बंद था एक भयंकर शेर, है ना, शेर। बादशाह के शिकारी इसी ने जंगल से पकड़ कर लाए थे, शेर को पकड़ के लाए थे। शेर की लाल लाल आंखें बड़ी डरावनी लग रही थी। बार बार उसकी भीषण दहाड़ सुनकर कायर लोगों के कलेजे कांप उठते। बादशाह ने बड़े गर्व से शेर की ओर देखा और कहा, क्या हमारे इस दरबार में कोई ऐसा बहादुर है जो इसे इस शेर से कुश्ती लड़ ले। बाप रे, कुश्ती और भी इस भयंकर जंगली शेर से, जीते जी मौत के मुंह में कौन जाए। शेर देख, शेर को आप जानते होंगे, आदमी का खून उसको खाने में बहुत मज़ा आता है। वो आदमी को देख लेगा तो जीते जी छोड़ेगा नहीं, इसलिए खून का वह भूखा रहता है। बादशाह की बात सुनकर सारे दरबारियों की को तो जैसे सांप सूंघ गया हो, सबकी जबान पर ताला पड़ गया। लेकिन वह यह पृथ्वी वीरों की खाली नहीं है, पर यह पृथ्वी तो है वीरों से खाली स्थान नहीं है, है ना। बादशाह की चुनौती को सुनकर महाराज जसवंत सिंह तमक कर उठ खड़े हुए। वही बोले, झांपना, मेरा सिंह शेर की चुटकियों में पछाड़ने की ताकत रखता है, तो तुम्हारे इस जंगली शेर से भी ताकतवर सिंह है। बादशाह ने आश्चर्यपूर्वक जसवंत सिंह से पूछा, बेशक झांपना, कल मेरे सिंह की ताकत का करिश्मा देखिएगा। जसवंत सिंह ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, अपने पर भरोसा रख करके कहा, हम तुम्हारे शेर की ताकत देख लेंगे, पर याद रखना, अगर तुम्हारा सिंह इस जंगली शेर को नहीं हरा पाया तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा, शर्त मंजूर है। औरंगजेब ने पूछा, है ना, जहां अपना मंजूर है। जसवंत सिंह ने उत्तर दिया। दूसरे दिन तो दो शेरों की कुश्ती देखने के लिए बहुत से सभी बड़े उतावले हो रहे थे। दरबार में बहुत भीड़ सी लगी।
बादशाह सिंहासन पर आकर बैठ गए। तभी जसवंत सिंह बड़ी शान से दरबार में आए, लेकिन आश्चर्य जसवंत सिंह अपने साथ ना पिंजरे लाए थे न सिंह, बस उनके साथ उनका तेजस्वी किशोर पुत्र था, जो देखने में जय सिंह जैसा बड़ा ही पराक्रमी दिखाई दे रहा था। उसका नाम तुम्हारा सिंह कहाँ है जसवंत सिंह? बादशाह ने पूछा। मेरा सिंह मेरे साथ है जहाँ अपना, आप हमारा अपने शेर को मुकाबले के लिए खड़ा कीजिए, जसवंत सिंह ने उत्तर दिया। बादशाह का संकेत पाकर सिपाहियों ने जंगली शेर को एक बड़े हाथी में छोड़ दिया। चारों ओर से सुरक्षित उसी बड़े हाथी में कुश्ती का प्रबंध किया था। जसवंत सिंह ने अपने बेटे को उनके बेटे की ओर मुस्कुराकर देखा। बेटे ने पिता के चरण छुए और पिता का आशीर्वाद लेकर हाथी में घुस गया। सब लोग कलेजा थाम कर मुकाबला देखने लगे। एक तरफ भयंकर जंगली शेर तो दूसरी तरफ प्रतापी किशोर। वह किशोर कौन था? आप लोगों को बतला दिए थे बच्चों कि वह किशोर का नाम था पृथ्वी सिंह, है ना? पृथ्वी सिंह था। सब लोग एक किशोर की मौत के मुंह में ढकेलने के दोषी मानकर जसवंत सिंह को मन ही मन कोस रहे थे कि अपना बेटा को कभी या नहीं आ जाया, बेटा को छुपा दे रहा है। लेकिन ना तो जसवंत सिंह के चेहरे पर चिंता थी और ना उनके पुत्र के मुंह पर भय का तनिक भी चिन्ह नहीं था। बच्चों शेर दहाड़ मारकर आगे बढ़ा, पर इस तेजस्वी किशोर को आगे देखकर पीछे हट गया। तब बादशाह के सैनिकों ने भाले की नोक से शेर को उकसाया। इससे शेर अधिक क्रोधित हो गया और किशोर पर झपटा। वह वीर फुर्ती से एक ओर हट गया और शेर का बाल खाली हो गया। अब की बार किशोर ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई दी और म्यान से अपनी तलवार निकाल ली। तभी बाहर बैठे जसवंत सिंह गर्जे, अरे यह क्या करते हो बेटे? निहत्थे पर तलवार से वार? राजवीरों का यह नियम नहीं है, तलवार फेंक दो और शेर से भिड़ जाओ। आज्ञा बालक पुत्र ने तुरंत तलवार फेंक दिया। शेर ने भयंकर गर्जन किया और मुंह फाड़ कर किशोर पर टूट पड़ा। किशोर के शरीर में बिजली कसी दौड़ गई। उसने फुर्ती से शेर के दोनों जबड़ों और अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। तेज शेर तिलमिलाया, पकड़ से छूटने के लिए उसने जोर लगाया, पर उसकी एक नहीं चली। यह तो एक फौलादी पकड़ थी। किशोर के हाथों की पकड़ मजबूत और अधिक मजबूत होती चली गई। शेर विवश होकर धारता रहा। उस तेजस्वी बालक ने शीघ्र ही शेर को दो टुकड़े में फाड़ कर फेंक दिया। देख लीजिए बच्चों, चित्र में भी दिया हुआ है, चित्र को देखिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं बच्चों कि महाराजा जसवंत सिंह का वीर पुत्र जो है पृथ्वी सिंह था, जो जो पराक्रमी बालक हमारे देश में जन्म लिया, और ऐसे भी साहसी बालकों पर हमें गर्व है। आप लोग भी ऐसे ही बहादुर बनिए। और इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें साहस से काम करनी चाहिए, वीरता से काम लेनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। देखिए शेर को किस प्रकार से उसका पुत्र पृथ्वी सिंह पटक दिया और उसका मुंह फाड़ करके उसका दांत को गिन लिया, है ना? इस प्रकार से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना प्रदान करता हूँ।